डायमेट्रिक फॉर्म। लिखना इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose diametric end points are x1, y1 and x2, y2। ठीक है, कोई भी एक सर्कल आपके पास है और अगर उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है तो आप उस सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। ये पॉइंट है आपके पास में x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2। तो देखो वैसे काफी सारे तरीके हैं। एक तो क्या है, यहाँ से इसका आप सेंटर फाइंड कर सकते हो। अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन है तो सेंटर फाइंड कर लो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से डायमीटर आ गया, उसका हाफ कर दो रेडियस, तो सेंटर और रेडियस मिल गई, तो इक्वेशन लिख सकते हो। एक और तरीका देखो क्या है, ये ए और बी है आपके पास में और इस पर हम कोई भी अगर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं सी, तो जो डायामीटर है वो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री एंगल सब्टेंड करेगा सर्कमफेरेंस पे। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि AC जो परपेंडिकुलर है लाइन BC के, है ना, और इसका मतलब क्या हो गया कि AC लाइन का जो स्लोप है और जो BC लाइन का स्लोप है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ठीक है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन्स के स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। तो AC का स्लोप, इसको पॉइंट को कुछ मान लो x, y, तो ये आपके पास में क्या आएगा, y - y1 अपॉन x - x1 इंटू y - y2 अपॉन x - x2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये फाइनली आ गया x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट अगर आपको गिवन है तो डायरेक्टली इस फॉर्म में आप इक्वेशन जो उसको लिख सकते हो, x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equals to 0।